नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली के उबर कैब चालक का शव सिकंदराबाद पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के गुलवाठी रोड पर सड़क किनारे उसी के कैब से बरामद किया। कैब चालक कल दिल्ली से निकला था और उसका मोबाइल बंद जा रहा था। कार के मालिक का दावा है कि कार की बुकिंग नहीं की गई थी, यानी हत्यारे चालक को बिना बुकिंग ही बुलंदशहर के सिकंदराबाद ले आए थे। हत्यारों ने मृतक की हत्या गला दबाकर की है। जीपीएस की मदद से ही कैब मालिक को ये जानकारी मिली थी कि कार सिकंदराबाद क्षेत्र में है। भैया, आप अपना नाम बताएंगे? विकास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला गाजियाबाद। ये जो ओला चालक की हत्या हुई है, ये गाड़ी किसकी है? ये नीतीश कुमार की। ये कौन है? ये गाजियाबाद रहते हैं। तो आप इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर कैसे आए? जीपीएस के थ्रू आए जी। तो आपने फोन ट्राई किया था? फोन ट्राई कर रहे हैं 2 बजे से, डेढ़ बजे के बाद से फोन ट्राई कर रहे हैं, नंबर नहीं लग पा रहा था। आखिरी बार इस चालक से आपकी मुलाकात कहाँ पर कब हुई थी? ये जी इनकी बात हुई थी लगभग 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे मालिक बता रहे हैं इनकी बात हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद क्या क्या बात हुई थी? वो उसने क्या जब कॉल करी थी तो इसने फोन काट दिया था और मैसेज डाला था कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो आप कब से ढूंढ रहे थे इनको? हम तो जी जब से 2 बजे से लेके देख रहे हैं कि बंदा सो रहा होगा, बट बंदा यही उसमें उम्मीद में थी कि बंदा सो रहा होगा, कि भाई नींद वगैरह में होगा, बंदा सो रहा होगा, बट ऐसा लग पता था कि ये काउंट हो जाएगा साथ में इसके। फिर पता चला कि जीपीएस के थ्रू बोले चलते हैं यार, गाड़ी खड़ी हुई है और देखते हैं गाड़ी में क्या हाल है क्या नहीं। यहाँ आकर देखा तो पीछे वाली सीट के पीछे पड़ा हुआ था। किस अवस्था में? मुदा पड़ा हुआ था इस तरीके से। कुछ मिला यहाँ पर इसके आसपास जिससे लगता होगा इसकी हत्या किस चीज से की गई है? अंगोछे से गला बांध के, अंगोछे से गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम है साहिल खान। साहिल खान जी। सनोफ कमरुद्दीन। ये निवासी कहाँ का था? ये रहने वाला गोरखपुर का है जी। और वर्तमान में कहाँ रह रहा था? वर्तमान में ये रह रहा है सावेरी, सावेरी गाजियाबाद। ये कितने समय से यहाँ पर इस पर काम कर रहा था? 1.5 महीने से लेके यहाँ पर रह रहा है। धन्यवाद। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।